गाइज यहाँ पे आज हम कंपैरिजन करेंगे दो वॉचेस का, बोट वॉच स्टॉर्म और कलर फिट पल्स। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। एक तरफ आपको रिप्लाई बैक का ऑप्शन मिलता है और एक तरफ आपको रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक तरफ डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है बेटर है और एक तरफ डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है कम है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की बात में करो तो यहाँ पे आपको दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। पल्स में आपको 1.4 इंचेस की TFT कलर पैनल मिलता है और स्टॉर्म में आपको IPS LCD मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर है बट डिस्प्ले साइज पल्स का ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे रेस टू वेक दोनों मिल जाता है, ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। एंड गाइज जो पर पिक्सल डेंसिटी है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। एंड गाइज पीक ब्राइटनेस में पल्स बहुत आगे निकल जाती है एज कम्पेयर टू स्टॉर्म। और यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे गैलरी में से कोई भी इमेज को ऐसा वॉच फेस भी लगा सकते हो और क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। और थोड़ा सा आगे बढ़े फिटनेस ट्रैकिंग स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो स्टॉर्म में आपको 9 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, पल्स में आपको करीब करीब यहाँ पे 10 से 11 स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। और डेडिकेटेड स्विमिंग मोड आपको मिल जाता है यहाँ पे और कंसिस्टेंट स्टेप काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन मिलता है। बस पल्स में आपको डेडिकेटेड आपको सेंसर मिलता है दोनों का ही, HR मॉनिटर या आपका SPO2 लेवल का, जो कि स्टॉर्म में भी अवेलेबल है। बट स्टॉर्म की एक्यूरेसी लेवल थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू पल्स। और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो बट रिप्लाई बैक ऑप्शन पल्स में मिलता है सिर्फ, जो कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है, iOS एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो ये भी आप माइंड करिएगा। बट आप रिप्लाई बैक के साथ साथ वाइब्रेशन अलर्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है दोनों का, स्मूथ शटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। फाइंड माय फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक और काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन भी एक्सेस अवेलेबल है आपको दोनों ही वॉचेस में। एंड गाइज पल्स में आपको फाइंड माय फोन और कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, बट कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन है कि नहीं वो एक्जैक्टली आई डोंट नो। और यहाँ पे स्टॉर्म में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है पल्स में, जो एडेड एडवांटेज आपको मिलती है। एंड गाइज एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको डिफरेंट सिनेरियो मिलता है। पल्स में जो डबल आपको मिलता है रैम रोम। एंड गाइज जो कस्टम UI थोड़ा सा लैगी आपको फील होगा स्टॉर्म का एज कम्पेयर टू पल्स। एंड दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर UI मिलता है आपको, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है देखने के लिए। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, दोनों का ही यहाँ पे पल्स का थोड़ा सा फ्लश्ड है एज कम्पेयर टू स्टॉर्म। स्टॉर्म में भी आपको फ्लश्ड मिलता है और जो डायल है वो आपको मेटेलिक मिल जाता है। जो लुक एंड फील है दोनों का ही प्रीमियम आपको मिलने वाला है। एंड गाइज यहाँ पे थोड़ा सा बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पे दोनों में ही आपको जो बैटरी एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से पल्स में आपका 230 mAh हो सकता है। स्टॉर्म की बात करें तो 190 mAh आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है। 8 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर स्टॉर्म, पल्स जैसे कि 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर ऑफिशियली बता रखा है। चार्जिंग टाइम दोनों में ही आपको मैग्नेटिक चार्जिंग मिल जाता है। एंड गाइज यहाँ पे एक्चुअल में 6 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर विदाउट सारे नोटिफिकेशन के, मतलब सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आपने ऑफ कर दिए, सिर्फ आप स्टेप्स काउंटिंग और सिर्फ टाइम देख रहे हो तो आपका 6 दिन चल जाएंगे दोनों ही वॉचेस। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे तो आपको करीब करीब 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 3 से 4 दिन का पल्स में मिल जाएगा। मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SPO2 लेवल्स का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है दोनों में, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है, ब्रीद रिलैक्स का मोड भी अवेलेबल है और सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन तो है ही है कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में। तो कहीं ना कहीं मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। अब आती है बिल्ड क्वालिटी की बात तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो वेट है हल्का सा पल्स का थोड़ा सा ज़्यादा है, बस 2 grams, यहाँ ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। और स्ट्रैप साइज दोनों का ही 20 mm है तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने डीप डाउन रिव्यू और अनबॉक्सिंग कर रखी है ऑलरेडी, अब आपकी यहाँ पे दोनों में ही सिलिकॉन स्ट्रैप यूज़ किया गया है तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी आप लेना चाहते हो, लेदर वाला भी यूज़ कर सकते हो। एंड मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें एल्युमिनियम अलॉय और बेस पॉलीकार्बोनेट का आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। उसी के साथ साथ अब प्राइसिंग की बात आती है तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस थोड़ा सा डिफरेंट परफॉर्म करती हैं। स्टॉर्म आपकी एज ऑफ नाउ 1999 में अवेलेबल है और पल्स आपकी 2499 रुपीज़ में अवेलेबल है। अभी इसका प्राइस जो है वो चलता रहता है 3000 के अराउंड चलता रहता है पल्स का, स्टॉर्म का 2400 में चलता रहता है प्राइस। तो अभी आप एज ऑफ नाउ दोनों ही वॉचेस को बाय कर सकते हो, एक आपको 2500 मिलती है और एक आपको 2000 मिलती है। जो प्राइस डिफरेंस है वो मैं आपको बताया था, 500 पल्स महंगी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बड़ा मिलता है, यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है मतलब एक्यूरेसी है ज़्यादा बेटर मिलती है, रिप्लाई बैक का ऑप्शन भी मिल जाता है पल्स में। तो ये बहुत सारी चीज़ें एडवांटेज है पल्स के पास। अगर मैं जाऊँगा तो मैं पल्स की तरफ जाऊँगा, बट अगर मेरा बजट लो है तो मैं डेफिनेटली स्टॉर्म की तरफ देखूंगा, क्योंकि स्टॉर्म भी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। लॉन्ग टर्म इसकी यूजबिलिटी बहुत ही बेटर है, 1.5 लाख इसके ऑलरेडी यूनिट्स बिक चुके हैं, फ्लिपकार्ट आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस स्टॉर्म भी कहीं ना कहीं ग्रेट ड्यूरेबिलिटी के साथ आती है, आपको वॉच मिलती है। तो गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन स्टॉर्म वर्सेस पल्स के बारे में। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे टेकटॉक चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।